यशोधरा नगर थाना अंतर्गत गोसावी अखाड़ा परिसर में घर के बाहर शराब पीने को मना करने पर दो गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि एक दूसरे के घरों में घुसकर जमकर मारपीट की गई। इस बीच रॉड लगने से अपने दोस्त के घर दिवाली की बधाई देने आया अपराधी बुरी तरह जख्मी हो गया। शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक का नाम आजाद नगर निवासी जफर अब्बास अली बरकत अली है, जबकि आरोपियों में सूरज तायवाड़े, अनिल कुंभारे, राहुल उर्फ शेंडी, रामदेवपुरी, जितेश अशोकपुरी, शुभम वंजारी, अन्नू अशोकपुरी, शेरा नाम का युवक बताया गया है। सभी गोसावी अखाड़ा परिसर निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जफर रात करीब 11:30 बजे गोसावी अखाड़ा परिसर में अपने दोस्त राजा अशोक पाठक के घर बैठा हुआ था। इसी समय राजा का भाई सुंदर अपने दो दोस्तों चित्या और तुषार के साथ परिसर में ही रहने वाली नंदा नाम की महिला के घर के सामने से गुजर रहे थे। तभी आरोपी नंदा के घर के सामने ही शराब पीकर हंगामा मचाने लगे थे। नंदा उन्हें हंगामा करने के लिए मना कर रही थी और वहां से जाने के लिए भी डांट रही थी। इसी समय वहां से गुजर रहे सुंदर ने भी नंदा से कहा कि आरोपियों को भगा देना चाहिए। इस बात से सभी आरोपी सुंदर और उसके दोस्त से विवाद करने लगे। इनमें से एक ने सुंदर पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। सुंदर के दोनों दोस्त वहां से भाग गए। सुंदर अपने घर लौटा और जफर व अपने परिवार को सारी बात बताई। कुछ देर बाद सुंदर ने आरोपियों के घर जाकर उससे मारपीट की और गाली गलौज कर लौट आया। कुछ देर में ही सारे आरोपी रॉड लेकर सुंदर के घर पहुंचे और वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला कर दिया। सुंदर अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ भागकर एक कमरे में बंद हो गया। इससे पहले कि जफर और राजा संभल पाते, वे भी आरोपियों के हमले की चपेट में आ गए। वहीं घर में मौजूद महिलाओं में दिशा पाठक का पैर और सीता का हाथ टूट गया, जबकि जफर के सिर पर गंभीर चोटें आई। सभी को जख्मी करके आरोपी मौके से भाग गए। किसी ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पुलिस पहुंची। जफर को तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि राजा, दिशा और सीता समेत बाकियों को मेयो ले गए। उधर शुक्रवार सुबह जफर ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।